भारत के 6वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी के 76वें जयंती पर पूरे उत्तर प्रदेश में एक एग्ज़ाम आयोजित किया जा रहा है। इस एग्ज़ाम में जो जो छात्र उत्तीर्ण होंगे उनको पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार में मनी हो सकता है या टैबलेट या आपको स्मार्टफोन दिया जाएगा। ये पुरस्कार रखा गया है और भी हम इसके बारे में जान लेते हैं। अब क्या है, इसको एग्ज़ाम को देने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है मैंने इस वीडियो में बता दिया हूँ आपको। अभी आपके इस वीडियो में लास्ट में बता दूंगा कि रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है। चलिए जो आर्टिकल है उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो आर्टिकल में लिखा है राजीव गांधी जिला स्तरीय द्वितीय समान ज्ञान प्रतियोगिता। यहाँ पर एग्ज़ाम का डेट भी लिखा है, परीक्षा का डेट कब आएगा। चलिए इसको भी पढ़कर बता देते हैं, परीक्षा का डेट जान लेते हैं। देखिए परीक्षा दिनांक लिखा है 13-14 सितंबर को आपको परीक्षा कराया जाएगा। परीक्षा का समय होगा 3 से 7 बजे तक। परीक्षा परिणाम आपको 24 सितंबर तक मिल जाएंगे। और चलिए आर्टिकल के बारे में और कुछ जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि प्रतियोगिता के नियम कुछ इस प्रकार हैं। इसमें लिखा है कि प्रतियोगिता केवल उत्तर प्रदेश निवासी के लिए है। इस प्रतियोगिता में सिर्फ 16 वर्ष से 22 वर्ष तक के छात्र छात्राएं भाग ले सकते हैं। इस बार प्रतियोगिता ऑनलाइन होगी। प्रतियोगिता में भारत की शक्तिकरण की यात्रा से संबंधित समान ज्ञान से कुल 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रतियोगिता की समय सीमा 30 मिनट की होगी। प्रतियोगिता में प्रत्येक जिले के सैकड़ों प्रतिभावानों छात्र छात्राओं को आकर्षक पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। चलिए इसके सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। जो क्वेश्चन आएंगे यानी कि 60 क्वेश्चन आएंगे, आपको 30 मिनट में करना है होगा। समान ज्ञान का क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा। तो राजीव गांधी ने जितना भी कुछ किया है अपने जीवन में उसी से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे। तो यहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ पर राजीव गांधी के बारे में लिखा है कि भारत का पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी, यहाँ पर इनका डेट ऑफ बर्थ इनके बारे में लिखा है। तो यहाँ से आपको इनके बारे में पढ़ लीजिए। वैसे मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि इनका 76वीं जयंती मनाया जा रहा है। और जान लेते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है कि ये राजीव जी के प्रधानमंत्री काल के काम है। अब देखिए इसमें नीचे भी एक चीज़ और लिख दिया गया है कि इनसे संबंधित सवाल, जो ये नीचे आर्टिकल सब दिए है ना, इनसे संबंधित सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, तो लिखा है किस किस पे, लिखा है राजनीतिक सुधार पे, दल बदल विरोधी कानून इस पे। ये 1985 में दल विरोधी कानून आया था। देखिए मिजोरम समझौता, 1986 में श्री राजीव गांधी ने मिजो विद्रोही नेता की लाल डेंगा के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया। और देखिए यहाँ पर लिखा पंचायती राज के बारे में, श्री राजीव गांधी सत्ता में आम लोगों की भागीदारी में विश्वास करते हुए उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप 73वें और 74वें संशोधन पारित किए गए, जिससे पंचायत और नगर पालिकाओं में चुने गए प्रतिनिधियों को सत्ता में अधिकार प्राप्त हुए। इसके अलावा विदेशी नीति के बारे में कि श्री राजीव गांधी ने रंग वेदी नीतियों के लिए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वैश्विक प्रतिबंधों को सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया। उन्होंने अपने व्यक्तिगत कूटनीतियों में कौशल के अमेरिका के साथ भारत के संबंधों को मजबूत किया। चीन के बारे में दिया है, पंजाब समझौता वर्ष 1985 में आया था, आसाम समझौता, राजीव गांधी ने आसाम आंदोलन के नेताओं के साथ शांति समझौता किया और 1985 में शांति स्थापित किया। यहाँ पर युवा शक्ति एवं शिक्षा के बारे में है, मतदान की उम्र घटाकर 18 वर्ष की गई, यानी कि पहले मतदान का उम्र जो था वो था 21 वर्ष, घटाकर उन्होंने 18 वर्ष कर दिया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुख्य विश्वविद्यालय है, इन्होंने एक युगनी नाम पे एक उनका कॉलेज चलता है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुख्य विश्वविद्यालय। जो लोग नियमित कॉलेज नहीं जा सकते वो डिग्री प्राप्त कर सके, ये सुनिश्चित करने के लिए राजीव गांधी ने 1985 में युगनी की स्थापना की। वर्तमान में ये 40 लाख छात्र नामांकित हैं इस कॉलेज में। और ये जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में आप तो जानते ही हैं, 1985 में इसको उद्घाटन हुआ। 661 स्कूल पूरे उत्तर प्रदेश में हैं, 12 लाख स्टूडेंट पढ़ते हैं उसमें हर साल। इसके बाद में देखिए एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में देखिए, प्रौद्योगिकी मिशन, श्री राजीव गांधी ने भारत की निम्न 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की, पेयजल साक्षरता तिलहन उत्पादन और दूरसंचार। इन्होंने बहुत सारे काम किए, तो इसी रिलेटेड से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज में दूरसंचार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए एक मेन मुद्दा है कंप्यूटर क्रांति, ये महसूस करते हुए कि कंप्यूटर यह 21वीं सदी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, श्री राजीव गांधी ने सरकार में कंप्यूटरीकृत
की शुरुआत की। सूचना प्रौद्योगिकी में भारत की वैश्विक ताकत उनके द्वारा स्थापित किया गया। सुपर कंप्यूटर आ गया। जब यूएस ने भारत को मौसम पूर्वानुमान के लिए एक सुपर कंप्यूटर देने से इनकार किया तो राजीव गांधी ने सी डैक की स्थापना की, जिसने भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर बनाया। परम सुपर कंप्यूटर आज 14 देशों में स्थापित किए गए हैं। सुपर कंप्यूटर के बारे में पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको आपसे। फिर रोग प्रतिरक्षक के बारे में पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन इसका, देखिए यहाँ पर रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये आपका मान लीजिए सिलेबस ही है, लिखा है ना कि इनसे संबंधित सवाल सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का भी हिस्सा होंगे, यानी इनसे संबंधित सवाल प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको पूरा सिलेबस देख लेना है और एक एक टॉपिक पे आपको सर्च करके या कहीं से भी अच्छे से पढ़ लेना है, इसी से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए बता देते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्योंकि परीक्षा देने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए चलिए अपने मोबाइल में कोई भी ब्राउज़र खोल लीजिए। तो मैं अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र खोल ले रहा हूँ, और क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद में आपको सर्च करना है www.yuvajosh.in। क्या सर्च करना है? www.yuvajosh.in। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ रजिस्ट्रेशन आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर भी ये लिखा है, राजीव गांधी जिला स्तरीय द्वितीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, इसके बारे में लिखा है, भारत रत्न है ना, डेट लिखा है इसमें। अब इसके अंदर नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है प्रतियोगिता के नियम कुछ इस प्रकार है, वही जो मैंने आपको पहले बता चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, इसके अंदर आपको देखिए रजिस्ट्रेशन फार्म आपको नीचे आपको दिख रहा है। रजिस्ट्रेशन फार्म में आपको क्या करना है, अपना नाम डाल देना है। यहाँ लिखा है ना अपने नाम के स्थान पर आपके कॉलेज में जैसा नाम होगा आपका, वैसे आपका नाम डाल देना है। आपका जन्मतिथि वो डाल देना है। जेंडर क्या है, मेल फीमेल डाल देना है। आपका जिला कौन सा है, यानी कि जिला कौन सा है आपका, वो आपको यहाँ डाल देना है। फिर सिटी पूछ जा रहा, सिटी में आप अपना ज़िला डाल सकते हैं या अपने गांव का नाम डाल दीजिए। मैं अपने ज़िले का नाम ही डाल दे रहा हूँ, तो आप कुछ भी यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप वो अपना आधार कार्ड से जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा उस हिसाब से भरिएगा, जिससे कि गलती होने का चांस 0% हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपना सिद्धार्थनगर सिटी डाल दे रहा हूँ। फिर आपसे पूछा जाएगा आपके फादर का नेम, आपके पिताजी का नाम यहाँ पर आपको डाल देना है, तो मैं अपने पिताजी का नाम यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। अब आपको एक ईमेल आईडी यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है, तो आप सबकी, तो अगर आप 18 से लेकर 22 साल की एज में है तो पक्का कि आपकी ईमेल आईडी बनी होगी, तो आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। चलिए हम यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दे रहे हैं। फिर आपसे यहाँ पर आपको विधानसभा पूछा जाएगा, आपका विधानसभा जो होगा यहाँ पर आपको डाल देना है। तो मेरा जो विधानसभा है मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ, आप सर्च कर लीजिए। अगर आपको पता नहीं है कि आपका विधानसभा कौन सा है तो आप गूगल कर लीजिए कि आपका विधानसभा कौन सा है, यहाँ पर आपको विधानसभा सही सही डाल देना है। ठीक, इसके बाद नीचे आपका ऑप्शन मिलेगा ब्लॉक का। अब आपका ब्लॉक कहाँ पर पड़ता है, इस ब्लॉक यहाँ पर आपको डाल देना है। ठीक है, तो ब्लॉक यहाँ पर डाल दीजिए आपको। इसके बाद यह ऑप्शनल है, रेफरल कोड डालिए, इसको आप छोड़ सकते हैं, मत डालिए। अगर आपको रेफरल कोड अगर नहीं पता है तो आप छोड़ दीजिए। फिर नीचे आइए, यहाँ सबमिट फार्म, सबमिट फार्म पे आपको क्लिक कर देना है, आपका फार्म सबमिट हो जाएगा। नीचे लिखा है द्वितीय राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता को कराने एवं इसके प्रचार प्रसार में सहभागी बनिए, तो वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वॉलंटियर के रूप में। ठीक है, तो ये मैं सब डिटेल में अपना मिला रहे हूँ कि कोई गलती ना हो जाए, नहीं तो बाद में पता लगे कि आपका परीक्षा के लिए डिटेल नहीं आया, आपको बता दिया जाएगा, आपके ईमेल से बताया जाएगा कि आपका परीक्षा डेट कब है और कितने टाइम को आपको रेडी रहना है, मतलब बताया जाएगा। आप इस वेबसाइट पर आप जा भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए फार्म भर दिया गया, इसके अंदर सबमिट फार्म पे क्लिक कर देना है। ये मैंने सबमिट फार्म पे क्लिक करते ही ठीक है, सबमिट फार्म पे क्लिक कर दीजिए। देखिए लिखा है प्रिय श्याम सुंदर, राजीव गांधी समान ज्ञान प्रतियोगिता 2020 में पंजीकृत करने के लिए धन्यवाद। हमें आपके विवरण मिल गए हैं। परीक्षा संबंधी सारी सूचनाएँ हम आपको देते रहेंगे, कृपया हमारी वेबसाइट और सोशल मीडिया पेजों से जुड़े रहें। ठीक है, तो आपको वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करने, मतलब रजिस्टर हो जाने के बाद में आपको सबसे नीचे आ जाना है, और नीचे में लिखा है अबाउट राजीव गांधी, उसके नीचे लिखा है ब्लैक अक्षर में लिखा है रीड मोर। ठीक है, इस रीड मोर पे क्लिक करके आप सिलेबस देख सकते हैं, कौन कौन सा सिलेबस है। देखिए मैंने रीड मोर पे क्लिक किया और ये पूरे सिलेबस हैं, आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसा इसमें बताया गया है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको पक्का।